kids, how are you all? A very warm welcome to all of you. Myself Vanchika. Today I'm going to teach you GK. Today we are going to learn general knowledge chapter number 1. आज हम general knowledge की starting करने वाले हैं. So let's start without wasting our time. आपको बच्चे अपनी GK की book open करनी है. You all have to open your GK book under chapter number 1 and the page number is 5. Have you all open? मैम बच्चे बोर्ड पे आंसर्स लिखेंगी और आपको कॉपी डाउन करने हैं. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. है क्या बच्चे, चैप्टर नंबर 1 इज माय हॉबी. अपनी हॉबीज के बारे में बताना. यहाँ पे कुछ क्लूज दिए गए हैं कि किसको क्या करना पसंद है. आपको सिर्फ उसका हॉबी का नेम लिखना है कि वो कौन सी हॉबी में वो चीज की जाती है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद नंबर 1. ये गर्ल है जिसका नेम सिमी है. अब क्या है, सिमी लव्स टू एक्सपेरिमेंट विद कलर्स, हर हॉबी इज. अब सिमी को कलर से एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है, तो उसकी हॉबी क्या है. अब हेल्प लेंगे यहाँ पे यूटिलिटी बॉक्स की. यहाँ पे हमें यूटिलिटी बॉक्स गिवन है, ये रहा. हम इसकी हेल्प से ये आंसर्स फिल करें. तो क्या है, सिमी लव्स टू एक्सपेरिमेंट विद कलर्स. अब कलर्स से एक्सपेरिमेंट करने की हॉबी को क्या कहा जाता है. हम यूटिलिटी बॉक्स में जाएंगे और यहाँ ऑप्शंस है डांसिंग. अब कलर्स से एक्सपेरिमेंट करके डांस तो नहीं किया जा सकता. फिलेटली, नो फिलेटली भी नहीं की जा सकती. फोटोग्राफी, नो फोटोग्राफी भी नहीं होती. कलर से खेल के कौन फोटोग्राफी करता है. पेंटिंग, या एग्जैक्टली, हम पेंटिंग में क्या यूज करते हैं, कलर्स. So, उसको एक्सपेरिमेंट किससे करना होता है, कलर से. तो उसकी हॉबी क्या हुई बच्चे, पेंटिंग. सो योर फर्स्ट आंसर इज पेंटिंग. यू हैव टू राइट विद मैम ओनली एंड विद पेंसिल एंड इन नाइस हैंडराइटिंग. सो फर्स्ट आंसर इज पेंटिंग रिटन. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. अब हम सेकंड पे आते हैं. इसका नेम है शिवी. क्या, कौन सी गर्ल है, इसका नेम है शिवी. शिवी लाइक्स टू सिंग. अब शिवी को सिंग करना, गाना गाना अच्छा लगता है, तो उसकी हॉबी क्या हुई. हमें सिंग से ही पता लगता है गाना गाना अच्छा लगता है, इट मींस उसकी हॉबी क्या है, सिंगिंग. वेरी गुड. अब हम सिंगिंग को और पेंटिंग को यहाँ से कट कर देंगे. डांसिंग कट कर दिया. क्यों, हमने डांसिंग नहीं करा था, हमने करा था पेंटिंग. याद है, भूलना मत. अब सेकेंड आंसर क्या है, सिंगिंग. सो अब हम यहाँ पे सिंगिंग लिखेंगे. सेकेंड आंसर क्या है, सिंगिंग. एस आई एन जी आई एन जी. रिटन रिटन. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड वन. अब थर्ड है, इसका नेम है, गर्ल का नेम क्या है, रिया. रिया लव्स टू रीड स्टोरी बुक्स. अब रिया को स्टोरी बुक्स रीड करना यानी कि पढ़ना बहुत अच्छा लगता है. तो जिस इंसान को, जिस भी बॉय या गर्ल को रीड करना बहुत अच्छा लगता है, रीड करने की हॉबी को ही रीडिंग कहते हैं. अब हम यूटिलिटी बॉक्स में जाएंगे. क्या यहाँ पे रीडिंग है ऑप्शन में, यस, ये ऑप्शन रीडिंग. रीडिंग कट करेंगे और यहाँ से क्या लिखेंगे हम, रीडिंग. आर ई ए डी आई एन जी, रीडिंग. रिटन, वेरी गुड. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. अब ये एक बॉय है जिसका नेम है अभे. और अभे को क्या करना पसंद है, अभे लाइक्स टू कलेक्ट स्टैम्प्स. उसे स्टैम्प्स कलेक्ट करना बहुत अच्छा लगता है. अब ये होती है बच्चे स्टैम्प, चलिए हम ऐसे प्रिंट कर देते हैं, ठीक है. और इस कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स को, इसकी हॉबी को क्या कहा जाता है, इस हॉबी को कहा जाता है फिलेटली. तो हम फिलेटली की स्पेलिंग यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पे हम आंसर लिख देंगे, फिलेटली. पी एच आई एल ए टी ई एल वाई, फिलेटली. फो कैसे बनता है, पी और एच को कंबाइन करके फो आता है, ठीक है. नेक्स्ट इज फिफ्थ वन. कबीर लव्स टू टेक द फोटोग्राफ्स ऑफ न्यू प्लेसेस. अब कबीर है, इसको प्लेसेस की, नई नई जगहों की फोटोग्राफी करनी बहुत अच्छी लगती है, तो इसकी हॉबी क्या हुई,
जो फोटोग्राफी करते हैं लाइक मैरिजेस में भी हम जाते हैं या बर्थडे पार्टीज में जो फोटोग्राफी करते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं? फोटोग्राफर. बिल्कुल करेक्ट आंसर है. हम यहाँ पे जाएंगे और इसका आंसर क्या है? फोटोग्राफी. उसको किसका शौक है? फोटोग्राफी करने का. सो उसकी हॉबी क्या है? फोटोग्राफी. नाउ वी विल राइट द आंसर. PHOTO फोटोग्राफी. GRAPHY फोटोग्राफी. Written? Yes, good. Now moving on to the last one. Mehak is learning the rock dance. अब महक जो है वो रॉक डांस करना सीख रही है और ये हमारी महक है. ये डांस करना सीख रही है रॉक पे. तो इसकी हॉबी क्या है? जिसको डांस करना बहुत पसंद होता है उसकी हॉबी क्या होती है? डांसिंग. करेक्ट. अब हम यहाँ जाएंगे ऑप्शंस में से डांसिंग को कट करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे डांसिंग. DANCING डांसिंग. डन. सबने कर लिया बच्चे? डन ऑल ऑफ यू. अब आप सबको ये अपनी बुक में कंप्लीट करना विद पेंसिल एंड नाइस हैंड राइटिंग. होप यू ऑल आर अंडरस्टूड. थैंक यू.